तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक पर्सनल बात। सो गाइस, इस बार मेरी जो दिवाली है वो घर पर नहीं होगी। सो अब मेरी दिवाली होगी चर्च में। तो इससे सबसे पहले मैं जाऊँगा पटियाला, पटियाला से फिर जाऊँगा चर्च, क्योंकि सरहंद रोड पर है। सो चलते हैं गाइस। दो जोड़े कपड़ों के हो गए, मोबाइल हो गया, सो चार्जर हो गया, हेडफोन्स हो गए, और ये साथ में माफलर ला लो। सो ये पाउडर हो गया, और ये हाथों को वॉश करने के लिए साबुन, ठीक है। सो ये अपना बैग है, इसमें सभी को सबमिट कर ले जाएंगे। तो फाइनली सो गाइज, मुझे अभी थोड़ा सा जुखाम हो गया है, इसके लिए मैं थोड़ी सी दवाई खा लेता हूँ। तो अभी रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी ब्रो। एक स्टार्ट करते हैं। सो भाई, घर से तो बाहर निकला है। सो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में। अब हम जाएंगे सबसे पहले पटियाला, और उसके बाद जाएंगे सरहंद। सो गाइस, बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लेते हैं। हम थोड़ी सी मिठाई ले लेते हैं पास्टर जी के लिए। तो भाई मिठाई को ले ली है, अभी चलते हैं। सुबह रास्ते में आते आते हमको भूख लग गई है। सो अभी हम चाय पी रहे हैं, अपने खाने में ये नमकीन है, अभी हम खाकर मस्त चलेंगे भाई। तो हमारे बैग भी चलिए, बाय बाय। कि तुसी देख रहे हो दोस्तों, आपां इहदे अंदर आ ते हुण चलेंगे असीं सरहंद सत्संग ते, ते उस तो बाद चों दिखावांगे तुहानूं उत्थे दे दृश्य किस तरह दे ने। ते उह सामणे अपनी बाइक खड़ी आ, मैं तुहानूं चंगी तरह दिखा देना। उह सामणे अपनी बाइक खड़ी आ, सो चल देंगे। पहुंच गए हम। सो हमने अपनी बाइक यहाँ पर रोक दी है, सो चलते हैं अंदर। सो फाइनली गाइस, उन्होंने हमें ये कार्ड दिया है, और उसके साथ ये बुक दी है, और एक पेन भी दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे वचन को लिखना है, और फिर उसका हमने उस पर सर्च करनी है। सो पासी, ये क्या है? ये आपकी आइडेंटिटी और वो एंट्री कार्ड। एंट्री कार्ड है जी मेरा। सो चलते हैं, अभी देखते हैं, भीड़ तो यहाँ पर बहुत लग रही है। सो भाई, इतना सफ़र करने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, इसलिए हम थोड़ा सा खाना खा रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं आगे। सो खाना पीना तो हो गया है भाई, अभी मस्त पेट फुल हो गया है, अभी देखते हैं आगे का क्या क्या प्रोग्राम है। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है, तो हम वीडियो बना नहीं सकते, और हम आपको आस पास बिल्कुल नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो ऐसा है भाई। सो गाइज, अभी चलते हैं नीचे, और फिर प्रोग्राम में चलते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं हमको कि क्या करना है क्या नहीं करना।
ये स्कूल की घंटी है मेरे सामने, तो बहुत ही प्यारे प्यारे गमले लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा भाई। सो गाइस अभी हमें 5 मिनट का ब्रेक मिला है, तो उन्होंने बोला है कि थोड़ा पर फिर लो, तो इससे थोड़ा शरीर में सेट हो जाए। बहुत काफ़ी समय से हम बैठे हैं और प्रचार कर रहे हैं। सो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो प्रचार है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं वो अगर मैं उनको लेकर आता ना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी नॉलेज की बातें थी जो उनको सीखने को मिलती। तो फाइनली मैं चाय पी रहा हूँ, सो इससे थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ जाएगी और प्रचार सुनने में बहुत और भी मज़ा आएगा। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दो चार चीज़ें सो देखने वाली हैं। सो भाई कम से कम यहाँ पर 400 लोग आए होंगे, वो सभी अलग अलग अपने अपने गांव से आए हैं, हो सकता है दूर दूर से आए हों। एक भाई जो प्रचारक है वो दिल्ली से आया है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सॉरी दिखा रहा हूँ आपको। सो एक नज़र मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सुंदर ना आपने पंजाब का नक्शा बनाया है, लेकिन पत्थरों से बनाया है। यहाँ पर लिखा है केरला और वहाँ पर लिखा है पंजाब। तो भाई जब मैं आपको बता दूं कि अंदर टेंट के अंदर विचार चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर विचार चल रहा है भाई। मैं 2 मिनट समय निकाल कर इधर आया हूँ, सो मैं आपको बताऊँगा, फिर बताऊँगा कि उन्होंने क्या बताया, किस टॉपिक पर ऊपर उन्होंने बात की। सो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझको पहले से ही जुकाम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा सा ढक लिया है कि जुकाम है जो और ज़्यादा ना बढ़े। कमरों की सिलेक्शन हो रही है, तो सभी को कमरों में अलग अलग लेकर जा रहे हैं। वो सिक्स मैंने बोला ना, वो सिक्स चला गया, देखो ज्यादा बाकी जाओ, मुझे ना गलत है, ठंड बहुत ज्यादा है इधर। सो जाएंगे दोबारा पटियाला जाएंगे, रूम नंबर 10 आपका बैग, जैसे कि आप देख रहे हो रूम नंबर 10 11 12 13 सभी हो रहे हैं, लेकिन हम मुझे लगता है पास्ट जी हमें घर चले जाएंगे। तो लगता है, कैसे लगता है आपको घर चलेंगे? सो गाइस अभी रात के 8 बज गए हैं और हमें भूख लग रही है, सो अभी सोने का टाइम हो गया है, अभी हम जा रहे हैं घर। सो खाने पीने के बाद जाएंगे, अभी रूम की सिलेक्शन हो रही है। रूम नंबर 12 आ जाओ, आगे आ जाओ, 12 रूम नंबर 12। सो गाइस खाना तो आ गया है, अभी हम खाना खाने वाले हैं। ये रोटी है और ये पता नहीं क्या बनाया भाई, ये मूंगी की दाल है और ये सलाद है। सो भाई मुझे भूख बहुत लग रही है, अभी मैं खाने वाला हूँ खाना। सो गाइस खाना पीना तो हो गया है, मस्त पेट फुल हो गया भाई, भूख बहुत लग रही थी। सो गाइस अभी चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा लोग खाना खा रहे हैं, भरा पड़ा है गाइस पूरा। सो गाइस अभी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अंदर में से कैसी भगदड़ मच रही है। सो ये देखो पूरा बढ़िया माहौल था भाई, यहाँ पर जो इन्होंने प्रवचन सुनाया ना भाई, वो तो बिल्कुल पूरा सुनने वाला था। मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त थे वो अगर साथ आते ना, तो उनके भी थोड़े से कान खुल जाते। सो चलो चलते। सो गाइस अभी हमने अपने बैग उठा लिए और अभी हम जा रहे हैं, सो चलते हैं, हेलमेट भी उठा लिए, चलते हैं। लोई काट ले नडी बैग से, काट ला। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस, सो अभी रात के बज रहे हैं, अभी 9 के करीब हो रहा है टाइम, 9:12 हो गए गाइस, अभी हम चलते हैं। तो चर्च को बोलते हैं बाय बाय, और सो बाइक हमने स्टार्ट कर ली और हमारा दूसरा हेलमेट, ठीक है ओके।
फाइनली गए घर पहुंच गए हैं। सो सो फाइनली गाइज अभी हम घर पहुंच गए हैं, तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। सो गाइज अभी हम करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो देखने के लिए